तो दोस्तों बाल कृष्णा सर की एक मूवी आई है जिसका नाम है भगवत केसरी एंड ये एक तेलुगु मूवी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड जब भी आप बालय्या सर की मूवीज देखते हो ना तो आपको जितनी भी फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, जितने भी तरह के लॉजिस्टिक्स आते हैं ना, मतलब जो भी आप लॉजिक जानते हो कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो जब भी आप बालय्या सर की मूवीज देखते हो ना तो वो सारी चीजें आपको बाहर रख करके सिनेमा हॉल में जाना होता है क्योंकि उनकी जो मूवीज होती है उनमें वो लॉजिक, वो एथिक्स, वो सब कुछ एकदम मतलब छूट सा जाता है बाहर में। एंड उनकी मूवी में सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप न्यूट्रल हो करके एंड एक मूवी फैंस के तौर पर अगर जाओगे तो आपको मूवी बहुत पसंद आएगी एंड सब कुछ ऑल ऑफ फ्रेम्स, मतलब आप चाहे फाइटिंग देख लो, आप चाहे डांस देख लो एंड जो भी स्टोरी आप देख लो वो सारा कुछ आपको बहुत ही कमाल का मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट के हिसाब से जाओगे कि नहीं यार मैं तो साइंस जानता हूँ, मैं तो लॉजिक जानता हूँ, मैं तो फिजिक्स जानता हूँ, तो वो सारी चीज़ें अगर आप जान करके मूवी देखने जाते हो तो आपको ये मूवी पसंद नहीं आती क्योंकि हर एक शॉट में आपको लगता है यार ये कैसा हो गया, ये इधर मारा वो कैसे उधर उड़ गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उनकी फाइटिंग सीन्स अलग होती हैं, मतलब एक तरफ से आप उनको रजनीकांत का भाई भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप फाइटिंग की बात करें तो, क्योंकि जिस तरह से रजनीकांत की फाइटिंग सीन्स में वो लॉजिक नहीं रहता, वो एथिक्स कुछ भी नहीं रहता, तो उसी तरह बालय्या सर भी हैं। एंड यार बालय्या सर की मतलब मुझे एक चीज़ बड़ी कमाल की लगती है कि उनकी आँखें, देखो उनकी जो एज है ना वो 63 की है तो उनके वो मसल्स नहीं हो सकते लाइक जैसे सलमान खान के हैं, शाहरुख खान के, उनके वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जब वो फाइटिंग करते हैं तो उनकी आंखें ही इस तरह से लगती हैं कि मानो उनकी आंखों को देखकर ही मतलब विलन भाग जाएगा। इस तरह की चीज़ें उनकी मूवी में हमेशा से ही रही हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी की तो मूवी बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है मूवी की एंड मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड वो सारी चीज़ें कि एक लड़की को कैसे आगे बढ़ाना है एंड लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है, वो चाहे जो कुछ भी कर सकती हैं, जो भी वो करना चाहती हैं, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है इस मूवी में। तो दोस्तों इस मूवी में एक लड़की है जिसे बालय्या सर आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं एंड उसी के साथ साथ एक और कहानी चलते रहती है जो कि लास्ट में जाकर के कनेक्ट होती है जो कि है विलन साइड की। एंड विलन का जो कैरेक्टर है वो निभाया है अर्जुन रामपाल ने जो कि काफी अच्छी एक्टिंग की है, डिसेंट एक्टिंग की है, उस लेवल का नहीं किया है जो वो अमूमन करते हैं, बट फिर भी ठीक है। एंड दोस्तों इस मूवी में काजल अग्रवाल भी है जो कि बालय्या सर के लव इंटरेस्ट की तरह से दिखाई गई है एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है कि मतलब बालय्या सर को जबरदस्ती काजल अग्रवाल की एज की तरह से नहीं दिखाया गया, जिस तरह से इस चीज को पेश किया गया है वो काफी काबिलियत तारीफ है। यही चीज सबसे अच्छी है कि जबरदस्ती का वो लव केमिस्ट्री नहीं दिखाया है लाइक जैसे रजनीकांत की मूवीज में होता है तो अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि यार देखो उनकी जो एज है ना वो मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं, चलो ठीक है वो एज मैटर नहीं करता इन फाइटिंग सीक्वेंस में एंड बाकी चीजों में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट लव इंटरेस्ट में नहीं कर सकते, होती नहीं है वो चीज़, अंदर से आपको पता है कि बालय्या सर ओल्ड हो चुके हैं। तो बाकी दोस्तों अगर ओवरऑल इस मूवी की बात करें तो मूवी काफ़ी अच्छी है, देखने लायक है एंड अगर आप एक फैमिली एंटरटेनर मूवी देखना चाहते हो फैमिली के साथ में तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है एंड आपका ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी। बाकी दोस्तों मैं देता हूँ इस मूवी को 3/5 स्टार। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।